इस वक्त जो है यहाँ पर दो भाई हैं, शौर्य और सूर्यांश सक्सेना। इन दोनों ने जो है एग्जाम को क्रैक किया है रतलाम शहर के। यह दोनों बच्चे हैं। तो सबसे पहले शौर्य से बात करेंगे। शौर्य, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। शौर्य, क्या रैंक है आपको, कितने क्या मिला है? मेरी 1700 रैंक आई है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत खुशी हो रही है। किस तरीके से मेहनत करी थी, कितना पढ़ाई करना पड़ता था, कितना बोझ रहता था? देखिए, परिश्रम तो जीवन का नियम है, परिश्रम तो हमें करना होगा। मैं 10 से 11 घंटे पढ़ता था और उसी के साथ स्कूल का सपोर्ट रहा, सेंट स्टीफन स्कूल का। मैं स्कूल जाता था और घर से पढ़ाई करता था विदाउट एनी कोचिंग। अच्छा, आपके जो नाना हैं वह भी आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे हैं। कितना सपोर्ट मिला नाना का, कितना काम आया उन्होंने जो उन्होंने सिखाया? इंस्पिरेशन हमें नाना जी से ही मिली थी और उनकी गाइडेंस रही है और उन्होंने ही पढ़ाया हमको। चौथी क्लास से हम उनसे ही पढ़ रहे हैं। उन्हीं से पढ़ रहे हैं। जी अच्छा, आपके भाई भी हैं। भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कितनी धन्यवाद। कितने आपके रैंक लगी है? मेरी रैंक 1500 आई है। दोनों भाई हैं आप लोग, हाँ भाई तो है। ऐसा कैसे हो गया कि आप आगे आ गए, थोड़ा सा पीछे चले गए? अच्छा, नहीं, 5 नंबर का डिफरेंस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी एग्जाम डे पे थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। वो कितनी खुशी है। बहुत खुशी है कि बहुत लंबा सपना था ये मेरा जिस पे मैंने वर्क किया है और आज फाइनली वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आगे की प्लानिंग तो ये, प्रोबेबली आईआईटी बॉम्बे जाएंगे हम, कि वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे पढ़ाई की सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। आपको भी मामा जी बहुत बहुत बधाई हो। आपके दोनों जो है आईआईटी में सेलेक्ट हुए। सबसे कैसा लग रहा है? हल्का, एकदम हल्का एकदम। एकदम हल्का। जो 4 साल से प्रेशर था वो एकदम से रिलीज हो गया। किस तरीके की थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं तो कैसा रहता है कि इतना पढ़ाना है, कितना क्या एज ए करना है? पेरेंट और गार्जियन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही रहती है कि क्योंकि जो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, इनमें बच्चों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मॉरल सपोर्ट की। बच्चे जो डिप्रेशन में जाते हैं, उन बच्चों को अगर मॉरल सपोर्ट टाइम से और प्रॉपरली नहीं मिले तो बच्चों का जो है ज़िंदगी अधर में अटक सकती है। इनके साथ में भी हुआ था बीच में, कोर्ट सिलेबस देख के, मॉक टेस्ट वगैरह में, जहाँ बच्चा 98-99% 10th में गेन कर रहा है, वहाँ पे मॉक टेस्ट में 10 नंबर आ रहे हैं, तो वो भयानक वाला डिप्रेशन था। तो उसको देख के ये दोनों डिप्रेशन में थे, उस चीज़ से बाहर निकाला इनको। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उन चीज़ों के लिए प्रॉपरली गाइड करा। समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, 7 घंटे 8 घंटे का समय देते थे, 12 से 15 घंटे भी लेकर आया उसको। सोने का टाइम शेड्यूल करा, इनका खाने का, हर चीज़ पंद्रह का। पंद्रह पंद्रह घंटे पढ़ाई करी है उन्होंने। शुरुआती समय तो कैसा कैसे पढ़ लेते थे 15 घंटे? थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बताया मैं नहीं, किस इतना तरीके से। हेक्टिक नहीं था। 15 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं अगर माइंड फ्री रखें और डिस्ट्रैक्शंस में ना पढ़ें। सोशल मीडिया वगैरह हम कुछ यूज़ नहीं करते थे बस। इनके टीचर्स भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आपके दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, आनंद में। इतना टफेस्ट एग्ज़ाम होता है वर्ल्ड का, सेकंड मोस्ट वर्ल्ड में टफेस्ट एग्ज़ाम है। और सबसे बेस्ट है मेरे को लगा इनका सेल्फ स्टडी। मैं सभी को ये सलाह दूंगा, जैसे इन्होंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, एंड बेस्ट है घर में स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो क्या जो है शौर्य और सूर्यांश दोनों थे, इनके परिवार के भी लोग थे, काफ़ी खुश हैं क्योंकि मेहनत का फल जो है इनको आज मिल गया है और अब ये आईआईटी मुंबई की ओर अपना रुख करेंगे। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।